आपकी जो भेमना इवनिंग है, क्या कुछ कहेंगे आप, कितना गर्वमेंट महसूस कर रहे हैं, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्ते कहना चाहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धि गुप्ता और मैं FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2019 हूँ और मिस इंडिया 2019 की फाइनलिस्ट हूँ। आज हमारी सब कॉन्टेस्ट नाइट थी, अवार्ड सेरेमनी थी और मैंने सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स में शाइनिंग स्टार का खिताब जीता है, तो मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। और ये अवार्ड मैंने अपने जोनल्स में भी जीता था और आज जब फिनाले में जीता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है खुद पे। मेरा भाई आया है, मेरे पेरेंट्स ने देखा, तो मैं बहुत खुश हूँ एंड माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी। सो इट्स अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी बिकॉज दिस अवार्ड इज़ वेरी क्लोज टू मी। ये अवार्ड मेरे लिए क्लोज इसलिए है क्योंकि ये शाइनिंग स्टार का मतलब है कि ओवरऑल अचीवमेंट्स आपकी देखी जाती हैं, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, आपका सोशल वर्क, आपने दूसरों के लिए कितना मददगार काम किया है, कितनी सहायता की है, आपने लाइफ में जो भी अचीव किया अब तक वो सब सेंको गोल्ड एंड डायमंड में शाइनिंग स्टार में देखा जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने मेरी अचीवमेंट्स को कंसिडर किया। सिद्धि, खिताब तो आपने ये जीत लिया है, आगे की जर्नी आप कैसे देखते हैं? जिस पहाड़ों से आप आए हैं, खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बॉलीवुड की बात करें तो बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शिखर तक पहुंची हैं, आप वहां से बिलोंग करती, कैसे देखते हैं जर्नी, कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ कि जिसकी राह में जो भी कुछ अवसर आता है मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। आई ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स माई वे। तो अभी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हूँ, मेरा मेन है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतना, तो उसी के लिए मेहनत चल रही है, दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं हम, बाकी लड़कियाँ भी कर रही हैं, बट हाँ, चाहती हूँ कि मैं जीतूँ, मेरा हमेशा से ये सपना रहा है। और मेरी एक खासियत है कि मैं अपने सपनों के पीछे भागती रहती हूँ, कभी हिम्मत नहीं हारती। शुक्रिया, थैंक यू।